अपना परिवार के आज इस शोक के समय ढांचस मिलता है, हिम्मत मिलता है, ताकत मिलता है। इसलिए तो हमेशा विनती करबो कि गाड़ी घोड़ा सड़क में देख के चले, यहाँ बड़ा दुख के बात है कि अभी अभी एक जानकारी मिल रहा है जगह में धर्मेंद्र नाम के एक नौजवान, पता नहीं उम्र तो हमारा जाना है, उम्र का जिक्र ना है, जे भी है आज वो दुनिया में ना रहा है एक दुर्घटना के कारण, तो ओकरा हमने पहले श्रद्धांजलि दिया है और परिवार के हमने मंच के माध्यम से यह चाहे हमने पूरा परिवार अपने साथ खड़ा है और साथ साथ कहने से भी आग्रह कर दो कि थोड़ा बढ़िया से गाड़ी घोड़ा चलाया, रोड देख के पार करिया और विशेष कर तनी लिमिट है के गाड़ी चलाया, ताकि देखा तोहनी केवल झारखंड के ना अपन घर परिवार के उम्मीद लगा, उस उम्मीद के किरण उम्मीद के दिया बुझे ना बुझे ना, इस बात के तोहनी ख्याल रखिया। और एक बात तो हमने बोलबो, आज इसी भोटवा में बहुत सारा नेता है कि दारू मुर्गा बांटे के काम कर को हमने साफ साफ बोल दियो, जितना हमने दादा काका जेठा जितना माय मोसीहा कि हमने दारू मुर्गा दे के वोट ना लेवो, यदि कोई हमने के नाम से दारू दे के वोट दे लेवो कर तो साफ मना कर दिया कि भाई ये एजेंडा हमने के नाम है। इसलिए तो इस बार डुमरी विधानसभा सह चुकल है और इतिहास ही रहा है कि भाई डुमरी चाहे शिवा महतो के रूप में रहे या जगन्नाथ महतो के रूप में रहे, डुमरी टाइगर का था और टाइगर का रहेगा। क्या कह रहे हैं डुमरी? डुमरी टाइगर का था और डुमरी टाइगर का रहेगा, क्योंकि पारसनाथ पहाड़ जब भी विधायक चुनता है शेरे शिवा टाइगर जगन्नाथ जैसे शख्सियत को चुनता है, और इस बार आपको तय करना है झारखंड की राजनीति में टाइगर की शख्सियत कौन रखता है, एक पहाड़ पारसनाथ के पहाड़ को लेना आपको तय करना है, डुमरी की जनता को तय करना है कि इस बार पारसनाथ की तराई से पारसनाथ की तलहटी से जो विधायक चुन के जाएगा वो कैसा होगा, कि डुमरी की जनता को तय करना। तो डुमरी की जनता तो हमें तय कर रहे ना, डुमरी की जनता तय भाग गई तय है हाँ। 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 मतलब डुमरी की जनता तय कर रहा था, ऐसा नहीं तुंडियों तय कर दिया, गांधी वाला भी तय कर दिया, टुंडी से मुझे कितना अलग चरण मोती रखे गए हैं, हाँ टुंडी से माननीय मोतीलाल नेहरू भी ये चीज छाप से खड़ा तो टुंडी टुंडी यानी थोपचाची राजगंज हाँ हुआ से जितना जाना या मोदी जा के निकल है इतना वोट करना हो, गांडे से जितना है हमने के बोल भाई विद्वान क्रांतिकारी गांडे से हो इतना वोट करना हो, धनबाद से जाना हो हमने के बोल भाई सपन मोदक दायले हो इतना वोट करना हो, और आगे बढ़े कोई चेहरे नजर ना आवे अच्छा इतना नजर आ रहा है बाकी पिछू हाथी हम देखे नहीं पा रहे हैं, तो जे भी हमने के केची छाप से चुनाव लड़तो इस बार याद रखना जितना केची छाप मजबूत हतो जितना जे के मजबूत हतो उतना तो हम वीडियो के ऑफिसियल सीन ऑफ टाइम के जवाब से बात के कार्य और एक बात तो तय हो 200 के नेता जीतो तो तोरा विधायक जी के घर बिहान है बिहान जाए है तो काम के करते ऐसे भगत रहे ना छोटे मोटे काम में भगत, तो विधायक जी के यहाँ दौड़ है तो चाहे कोई विधानसभा रहे विधायक जी के तोरा टेलीफोन कर है तो कि विधायक जी मेरा ये काम है थोड़ा फिर भी कर दीजिए, यानी ये वो नेता बन तो यदि कोई दूसर का अगर नेता बन लो तो ये वो नेता बन तो तोरा बिहान शाम या तखना समय निकाल के समस्या लेके जाए है तो, लेकिन अगर जरा मत तो जीत गए हो तार गांव में अगर जरा मत तो बन तो इधर है भी अरे तो पूजा के बता हमरा फोन करते तेरा पूजा ये लड़को हमरा फोन करते तेरा पूजा कि हमरा फोन करे करते कि फिर भी करते कि खुद दफ्तर में ढुक के अपन इंसाफ करे कि गलत बोला यो बेटा छोर है चाहे बेटी छोर है चाहे दीदी है चाहे मौसी है थोड़ा बुझाओ जीएमआ के ऑफिस के बाद जरा महत्व का फोन करता है कहते हैं हो जा रहा हमारे बाप के
के जमीन लगा दे मांगा यो सजा रात दिए तो मोसरी के राखी दे की बुझाओ की चपड़ी वाला कहना गया है पाया के जदिया ना लोगी पूछी जी अम्मा में धमका है ना काले में हो जा रहा मचोर के राखी दे ये जरा मत जीतल है से जीत के लिए की कहते तो एक पक्का होने जाए अगर हम जीत जाए हो तो तोहनी के फोन करने की जरूरत ना हो ना बिहार में ना नींद खराब करने की जरूरत सही बोले छोटे छोटे काम में तुम्हारा नींद खराब करे कोई जरूरत ना हो कौन टेलीफोन घुमाई अपने बोलिए जरा महतो के पार्टी से लो ये बगल में पीता गया कि ना अरे वो वीडियो क्या क्या वीडियो ऑफिस में चाय पी के चर्चा करा के कि जरा महतो जीत के क्या उखाड़ लेगा इसने बोला कि जरा महतो अगर जीत जाता है पहले चुटन है तभी तभी चुनाव बोला कि अगर जीत भी जाएगा जखन हमें सिलेंडर छपवा तो जीत को क्या उखाड़ लेगा तब एक ऑफिसर की बोल रहे मालूम हो कि सर आप ठीक बोल रहे हैं जयराम महतो दिल्ली में जाके क्या उखाड़ेगा नहीं उखाड़ेगा हमको नहीं मालूम लेकिन गिरिडीह लोकसभा का जहां से सीमा स्टार्ट होता है और जहां खत्म होता है सर वहां अगर धांधली करेगा तो फिर क्योंकि आचार संहिता है इसलिए थोड़ा शब्द के समय क्योंकि आचार संहिता है अभी वीडियो काट के अभी बहुत सारा अफसर वीडियो कर रहा शुरू होता है दामोदर नदी और बाराकर नदी वहां पर रिकॉर्डिंग कीजिएगा सर तो फिर आप समझ लीजिए इसलिए हर एक बात जान लिया सर तोहनी के मालूम हो अभी बरकठा के विधायक के लगे नहीं मालूम होगा तोहनी के मालूम हो अभी राजमहल के विधायक के लगे नहीं मालूम होना तोहनी के मालूम हो अभी झरिया के विधायक के लगे नहीं मालूम होना तो कैसे झरिया को के भी नहीं मालूम रहते कि डुमरी विधायक के रहते राजमहल के लोग को भी मालूम ना रहते कि डुमरी विधायक के रहते लेकिन अगर जरा मानो जीत के जाओ तो आधा इंडिया के आदमी जाएंगे तो डुमरी से जाएंगे जे हमने के 24 साल के जे अस्मिता भुगला पाए के लगा उस अस्मिता के स्थापित करे के लगा 24 साल से जे हमने के अंदर एक घर समाए के लगा 24 साल से कोलियरी के नाम में फैक्ट्री के नाम में गलत जे को डर समाए के लगा उस डर से छुटकारा पावे के चुनाव लगो इसलिए चुनाव के केवल चुनाव नहीं समझ गया ये चुनाव एक तरह से झारखंडी जनमानस के अपना हिम्मत दिए के चुनाव लगो ऐसे तोहनी से प्रार्थना बाकी आज हमने के लड़ाई स्पष्ट है झारखंड राज्य जिनके लिए बना है उन्हें विशेष संरक्षण दिया जाए उन्हें विशेष अधिकार दिया जाए 1932 के खतियान के आधार पे ऑब्लिक 1964 के खतियान के आधार पे झारखंड राज्य में एक मजबूत स्थानीय नीति बनाई जाए उस नीति के आधार पे एक नियोजन नीति बनाई जाए और उस नियोजन नीति के आधार पे झारखंड की तमाम परीक्षाओं को लिया जाए ताकि झारखंड के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ छल कपट ना हो उनकी नौकरियों को बेचने का सवाल ना हो ये हमारा सवाल सरकार से था लेकिन क्योंकि अब तैयारी खुद सरकार में आने की है इसलिए अगर हम लोग आते हैं तो झारखंड राज्य बचेगा कैसे झारखंड को लोग लूटेंगे नहीं कैसे उस पर चिंता करना उस पर चर्चा करना ये हमारी जिम्मेवारी है एक बात तो नहीं जान ले आज जो झारखंड के लूटे ले चाह तो चाहे बढ़िया ऑफिसर रहे चाहे बढ़िया कोई बड़ा आदमी रहे जो झारखंड के लूटे चाहो वो चाहो कि जरा मां तो ना जीते आप जो झारखंड के बचने चाहो वो अपनी के तय करना हो कि जरा मां को कितना वोट से देते देख जो झारखंड के लूटे ले चाहो कभी नहीं पसंद करता हमारा क्या कि हम जनता के बात कर रहे हम तो बाल बच्चा के भविष्य के बात कर रही हो हम तो नौकरी चाकरी रोजगार के बात कर रही हो वो कभी मैं चाहता हूँ जो झारखंड राज के लूटे ले आए लो वो कभी मैं चाहता हूँ कि झारखंड के भला भले और इसीलिए वो चाहो कि कुछ भी हो जाए जयराम महतो नहीं जीतना चाहिए यानी जो लोग झारखंड को लूटना चाहते हैं वो जयराम महतो को हराना चाहते हैं जो झारखंड को बचाना चाहते हैं वो जयराम महतो को जिताएंगे कैसे हमारे कैंडिडेट्स को जिताएंगे कैसे आप
इसलिए आज इस कार्यक्रम में तो हमने कहते संदेश रखो कीटा को एक चुनाव नहीं लगो, केवल चुनाव नहीं लगो, झारखंड के अस्मिता की एक लड़ाई है। आज कहीं चलिया पंचायत भवन से डीसी के ऑफिस तक जब तुम उस ऑफिस में प्रवेश करो ही तो तोरा साफ पता चलो कि यहाँ झारखंड के आदमी ना है। इसलिए झारखंड के अस्मिता की लड़ाई लगो, झारखंड के बच्चे की लड़ाई लगो, झारखंड के नौजवान के रोजी रोजगार की सुरक्षित तरह की लड़ाई लगो। इसलिए याद रखिया इस बार कोई भूल न हवे, इस बार कोई चूक न हवे। और एक बात होने के साथ कह चाहो कि डुमरी के रास्ता केवल विधायक बन के ना है, इस बार मंत्री ना है। अगर तोहनी के आशीर्वाद रहला है, पूरा झारखंड के आशीर्वाद रहला है, तो डुमरी से झारखंड के मुख्यमंत्री तय रहे। अभी तोहनी के आशीर्वाद, तोहनी के दुआ और तोहनी के मेहनत पर डिपेंड करो, क्योंकि जनता चाहतो तबे कुछ बतो। भारत जनतांत्रिक देश लगाए, भारत लोकतांत्रिक देश लगाए, भारत प्रजातांत्रिक देश लगाए। यहाँ प्रजा ही सर्वोपरि है, महान रिजवान दा यहाँ प्रजा ही सर्वोपरि है। इसलिए प्रजा के देश में प्रजा के शासन जगह है और तोहनी प्रजा लगा, प्रजा अपन बीच से बूझ मत करके एक बढ़िया नेतृत्व चुना जो पूरा झारखंड में बहा रहा है। कि डुमरी के इतिहास तोहनी के मालूम हो, डुमरी के वर्तमान और भविष्य के भी तोहनी के तय। आप ज्यादा विशेष ना बोलो, तमाम जो कार्यकर्ता केडर मोहनी से एक बात बोलो कि देखिए इस चुनाव में, हालांकि चुनाव हम लोग किसी को हराने के लिए नहीं, हमारे सामने चुनाव को लड़ रहे हैं, कौन फाइट कर रहे हैं ये हमको भी नहीं मालूम, हमारी जनता हमें मालूम है, हमारी जनता को नहीं मालूम है। लेकिन याद रखिएगा जो चुनाव में हमारे सामने है, एक प्रत्याशी तय हो चुकी है, वह स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू की अर्धांगिनी है। इसलिए हमारे जितने भी कार्यकर्ता है उनसे हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना होगी, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है या किसी प्रकार का प्लेटफॉर्म है, आदरणीय मंत्री जी को लेकर आपकी ओर से कोई टीका टिप्पणी ना हो, ये आपको हम सबकी हिदायत देना चाहेंगे। क्योंकि वे नारी है, हमारी माँ के समान है, आपकी माँ के समान है। ये चुनाव हम अपने आप को जिताने के लिए लड़ रहे हैं, हमारे सामने जो भी है वो आदर के पात्र है, इस बात का ध्यान रखें। मंत्री महोदय को लेकर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ये तमाम कार्यकर्ताओं को कहना चाहेंगे। मैं अपने तमाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एक एक कैडर्स, एक एक वॉलेंटियर्स को ये संदेश देना चाहूंगा कि डुमरी विधानसभा में जो हमारे साथ चुनाव लड़ रही है आदरणीय वंदनीय मंत्री महोदय, उनको लेकर किसी प्रकार का व्यक्तिगत कोई पटापेक्ष न हो, किसी प्रकार की कोई टिप्पणी ना हो। हमें केंद्र अध्यक्ष और आपका प्रत्याशी होने के नाते आपको एक निवेदन भी है और हिदायत है। हाँ, उनके कार्यकर्ता अगर किसी प्रकार से आपसे बहस करते हैं तो चूंकि वो 5 साल सरकार में रहे हैं, उनसे तार्किक रूप से जरूर आप सवाल मांगेगा, उनसे बहस करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपका बहस तार्किक होना चाहिए, आपका बहस सिस्टमैटिक होना चाहिए, आपका बहस तथ्य के साथ होना चाहिए। यदि उनका कोई कार्यकर्ता, उनका कोई नेता अगर किसी प्रकार से अपने सरकार का, अपने पार्टी का पक्ष रखता है तो आप उस पर अपना कटाक्ष कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप तार्किक होकर तथ्यों के साथ उनका उत्तर देने का काम करेंगे। अब दूसरा प्रत्याशी कौन है मुझे नहीं मालूम है, अगर दूसरे प्रत्याशी डीएम जी भी आते हैं तो उनको भी आप व्यक्तिगत कुछ नहीं कहेंगे, और अगर हमारे और एक मौसी है परम मैडम जी प्रत्याशी के रूप में आती है तो इनका भी वही सम्मान है जो मंत्री महोदय का है। अगर ये दोनों भी प्रत्याशी के रूप में चुनाव में हमारे सामने आती है, उन पर किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, उन्हें प्रणाम करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, और उन्हीं के आशीर्वाद से उनका बेटा उन्हीं की सेवा करेगा, उनके जैसी हजार लाखों करोड़ की सेवा करेगा, ये हमें प्रण लेना है कि उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हीं की जैसे हजार लाखों की सेवा करेंगे, हमें ये प्रण लेना है। हम आशा करते हैं जितने भी हमारे डुमरी विधानसभा के कार्यकर्ता है और तमाम चैनल के माध्यम से हमारी आवाज को सुनने वाले झारखंड में हमारे जितने कार्यकर्ता है, याद रखिएगा विशेषकर यदि उस सीट में कोई स्त्री अगर प्रत्याशी है तो उन पर किसी प्रकार का व्यक्तिगत अतार्किक बयान ना हो, ये आपको संदेश होगा, ये आपको हिदायत होगा।
चुनाव हम लोग अपने विजन पे लड़ेंगे, चुनाव हम लोग अपने दूरगामी सोच पे लड़ेंगे, हम लोग चुनाव अपनी क्षमता पे लड़ेंगे, चुनाव हम लोग अपनी काबिलियत पे लड़ेंगे, चुनाव हम लोग अपने सामर्थ्य पे लड़ेंगे। इसलिए चुनाव की जोरदार तैयारी कीजिए। ये चुनाव झारखंड के आने वाले 20-25 सालों के भविष्य का नींव रखने जा रहा है, इस बात को भूलिएगा। ये चुनाव महाचुनाव नहीं है, ये चुनाव आने वाले 20 सालों का नींव रखने जा रहा है, इस बात को भूलिएगा नहीं। तो शेख हकीम टोनी से विनती हो, और ये चुनाव चुनाव तो है ही, आज ये चुनाव आपकी हिम्मत बढ़ने का कार्य करेगा। आज तमाम दफ्तरों में अभी चले जाइए, यही झुमरी में आसपास लोग चर्चा कर रहे होंगे कि भैया अगर जरा माको सिस्टम में आएंगे तो एक बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। एसडीएम बैठा है, बगल में वीडियो बैठा है, बगल में सीओ बैठा है ना, जो जाएगा क्या क्या अपने एकदम पूरा जीट जा, बढ़िया बढ़िया जूता, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के बैठे लगे गए, और जयराम महतो नॉमिनेशन खाली बोर्ड पर आ गया, ये इतिहास है। गलत बोला यार, अभी अभी आज ही मथुरा महतो नॉमिनेशन करा ले टूंडी के, लेकिन जबकि बेस कुर्ता पजामा कम से कम जूता चप्पल पहन के गलत है, हम लोग हटो यार ना, बोला चप्पल पहन के लेते हैं कहे मालूम हो, आज अगर जयराम महतो जीतो ना तो गांव के वो गरीब से गरीब गिदार विधायक सांसद होने का सपना देखते। आज अगर जरा ना तो हार जीतो ना तो कोई बढ़िया पढ़ा लिखा तेज तरह लड़का विधायक होने के सपना भी नहीं सके। वो तो जरा महतो इतना तेज है, वो मैं जीते पावे तो हम जीते पावे रे, यहाँ तो राजा के बेटा ही राजा बनो बनो कि ना। अभी जितना टिकट बन रहे हेमंत सोरेन के बहु कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रहा हो, चंद्रप्रकाश चौधरी के बहु सुमिता चौधरी चुनाव लड़ रहा हो, और अगर भाई राम रोशन लाल चौधरी चुनाव लड़ रहा हो, ढोलू महतो के भाई शरद महतो चुनाव लड़ रहा हो, चंपई सोरेन के बेटा बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़ रहा हो, लड़ रहा हो कि ना। यानी आधा तो कम से कम नेता के बेटा बेटी चुनाव लड़ रहा हो, लड़ो कि ना, यानी सब टाका पैसा वाला। आज अगर जयराम महतो जीतो तो गांव के वो गरीब लड़का भी हिम्मत कर दो कि हम भी विधायक बन सकते। आज जितने हमने टिकट दिली है बगल में आती कि मोतीलाल की राजा के बेटा लगे, ना रिजवान राजा के बेटा लगे, ना सपन का राजा के बेटा लगे, ना देवेंद्र का राजा के बेटा लगे, ना नवीन का राजा के बेटा लगे, वो अपना छोड़ अपनी अपनी फाउंडेशन नाम के रामगढ़ में टिकट दिली, लेकिन एक लाख बेचारा ठीक से भाग भी ना। यानी जयराम महतो झारखंड के बदलाव के लिए नया स्वरूप दिया का तैयार है, आप कोहनी के तय करना है, ताकि कितना मजाक बात ना हो। 29 साल के विदा आप पर पिछू लाखों लाख जनसैलाब, इतना मजाक है। इसलिए आज अगर हम जीते हैं तो वो साधारण लड़का भी कोशिश करते कि हम भी विधायक बन सकते हैं, विधायक बन के अपने राज्य का अपने विधानसभा का सेवा कर सकते हैं। इसलिए कहने के तय करना हो कि जरा महतो की जीत यानी आम जनता की जीत, ठीक है। अरे गर्मा रुक ना, बैरवा में ऐसा नॉमिनेशन लेतो ना रे, बैरवा में ऐसा नॉमिनेशन लेतो कि जितना माफिया हो कम से कम सदी तो अगर माटी के प्यारा हो, ठीक है। आवाज अरे दामोदर नदी में स्वागत कीजिए पारस में पहाड़ के टाइगर का, जाइए इसलिए आज देखिए छोटे छोटे बात देखा, छोटे छोटे बात में जनता के परेशानी देखा। अगर और समस्या का समाधान चाहे तो एक बार कृषि छाप में मोहर लगाया, इस बार झारखंड के तस्वीर के बदल के रखा है, और साथ ही साथ हमने कितना केडर है तो हमें से आग्रह करवाए कि एग्रेशन करप्टेड लोगों के लिए, एग्रेशन करप्ट पॉलिटिशियन के लिए, एग्रेशन करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के लिए, एग्रेशन करप्ट कॉर्पोरेट्स के लिए, आम व्यक्ति के लिए हम लोग एग्रेशन का कभी पक्षधर नहीं है। आम व्यक्ति हम उनके सेवक है, जनता के सेवक है, अब तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता है क्योंकि इसी के बयान से हमारे कुछ अभिभावक है, हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि कुछ कार्यकर्ता हमको कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं,
तो सबसे पहले मैं मंच से जबकि मेरी आवाज पूरे बाजार तक जा रही है, इसकी बाजार दुबई बाजार तक जा रही है। अगर इसी कार्यक्रम में ऐसा कोई व्यवहार हमारे नाम से मिला हो तो हम सार्वजनिक मंच पे आपसे माफी मांगते हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार जनता के पास आपका एग्रेशन बिल्कुल नहीं है। जनता को हिम्मत देने वाला होना चाहिए, हमारा एग्रेशन जनता को ताकत देने वाला होना चाहिए, हमारा एग्रेशन गलत लोगों को नींद उड़ाने के लिए। ठीक है, तो जहाँ समय मेरा घेरा दूर वाला है तो हम लोग काफी दूर से आए हैं, बढ़िया से जिया, समय के जिया, अच्छा से जिया, कहते तोहनी से हमारा विनती रहता है, तोहनी से बोल रख दियो। और बाकी जितना जन अटल है जुटल है एक बार को जान ले, कते नेता कते नेता एको जितो, आज जे रूप में हमने आ लियो वैसा नेता के रूप में नेता ना मिलतो इस बात के तोहनी जान ले। इतना सीधा इतना सरल और इस प्रकार से संघर्ष करने वाला, इस प्रकार से नेता आज के कार्यक्रम में जितना जान आता रहा जितना जान जुटा रहा सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मांडू का घोषणा साझे कर दो, मांडू के अरे की कर रहे हैं हम लोग, तमन्ना सुन एक बार बोलो हम लोग इच्छा मांडू है ठीक हो, लेकिन मिया दियो दियो आई लेक्चर में मैं पार बोले मिया ना मिया को लेक्चर में के सुझाव दे रहे हैं। हम आज भी दिल में तमन्ना है कि ये वो हजारी बाग ये वो गिरिडीह से, लेकिन ये दियो ही आए लेकिन धरवा की दुनिया में परिणाम के चिंता हमें नहीं करना चाहिए, वो है हमने सामना कर बच्चे की झारखंड लड़ाई के मकसद ये लिखने के खिलाफ झारखंड हमने अलग ले ले हमने अमर सिंह रविंद्र पांडे के विचारधारा है और खिलाफ हमने झारखंड में लगे हमारा कहे ना कोई गुरेज ना है, और आज वही विचारधारा बैरनों में पनपे वाला है दियो धार से, तो वहां खड़ा होना एक झारखंड आंदोलन के बेटा हवा करने के लिए। ठीक है, तो सभी के हम सुन लो सभी के बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ी आटा ला जुटा रहा आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी का, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के तमाम प्रत्याशी का, आज इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए आए तमाम मीडिया के साथियों, आज इस कार्यक्रम में यदि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा कर्मी पुलिस को तैनात है तो हमको धन्यवाद। डुमरी विधानसभा डुमरी इकाई की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार नमस्कार आदाब, एक बार अफसर के मांग कर रहे हो बाकी से राज के बदले के प्रयास हमने करता है। ठीक है, सब बेस से ढाल दिया अच्छा से जिया रोडवा देख के बना ले बैरनों के महफिल भी सजा ले, बैरनों की महफिल तो नहीं सजा लेना, ऐसे भी हम कह रहे हैं कि एक विधानसभा हम पहाड़ से लड़ेंगे पहाड़ यानी डुमरी, और एक विधानसभा कोई लगा खतान होगा बैरनो चुनिए कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव का परिणाम क्या होगा वो मायने नहीं है, लेकिन आज जरा महतो के बहाने झारखंड के लोगों के दिलों में एक हिम्मत आई है ये सच्चाई। आज लखवान अफसर यहाँ जाला तो मुड़िया झुकाए के बात कर रहा है, आज अखिया मिलाए के बात कर रहा है, ये जरा महतो का दिन, इसलिए कहने की इस बात के विश्वास दिलाई गई हो कि आज यदि जिस दिन हमने पावर में लियो जे भी गलत करे वाला कोई कहे ना रहे और एक भी नहीं सुना ली तो ना एक भी चलन ली, आज यहाँ चुकी हमने के नेता मंत्री भी अपनी पूरा सपोर्ट करे थे इसीलिए अपने के मनोबल बाढ़े थे, इसलिए इस बात के जान ले हमने के अवश्य झारखंड के राजनीति में झारखंड के जनता के बीच एक सुखद बदलाव है, तो इस बात के पूरा विश्वास आज कहने से आगे आग्रह कर रहे कि आज अगर हमने सोच समझ के अपन वोट दिए के काम ना कर ला तो आने वाला 10 साल 15 साल बाद हमने के आने वाला पीढ़ी हमने से सवाल करतो, हमने के आने वाला पीढ़ी हमने से पूछतो कि हमने
अपन हाथ में वोट के ताकत रहे के बाद भी झारखंड राज्य के तस्वीर के बदले के काम न कर लिए कि हमने के पीढ़ी पूछते आज के बिना दुखे बनल झारखंड राज्य, आज के बिना तकलीफे बनल झारखंड राज्य, आज झारखंड राज्य के बनवे में न जाने कितना माय अपन बच्चा के खो दिलाए, कितना पत्नी अपन पति के खो दिलाए, कितना बहन अपन भाई के खो दिलाए, तब जाके हमने के झारखंड राज मिलल है। और आज देख ले कहां के राज कर रहा हूं, आज भी झारखंड के लोग इसरी डुमरी के बाजार में साग सब्जी और कोलियरी में यूपी बिहार के आदमी लाखों के कोयला बेचे के काम कर रहो, यही झारखंड राज्य के तस्वीर। और एक बात तो हमने साफ साफ विशेषकर पढ़ल लिखल नौजवान शिक्षा स्वास्थ्य विस्थापन पलायन ये सब तो हमने के मुद्दा है, ये है खतियान आधारित स्थानीय नीति, उस नीति के आधार पर नियोजन नीति, ये सब तो हमने के मुद्दा है ही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जहां हमने कभी ध्यान है, हमने हमेशा नौकरी कहां खोजला कि कहीं 8-10 साल के नौकरी मिल जाए, सरकारी मिले चाहे प्राइवेट मिले, हमने नौकरी के मतलब समझा है पुलिस के वैकेंसी, हमने नौकरी के मतलब समझा है टीचर के वैकेंसी, हम नौकरी के मतलब समझा है हवलदार के वैकेंसी, हमने नौकरी के मतलब समझा है सीओ बीडीओ दरोगा के नौकरी। लेकिन तुमने क्या मालूम है झारखंड में एजेंसी के की काम, झारखंड के सारा पैसा कहां है मालूम है? अच्छा एक बात बता, हमें बगल में वीडियो मैडम भी बैठा लेती, एसडीएम साहब भी बैठा ले, अपने पूछिए कि अपनी तनख्वाह की लगे, चल मान के चल 1 लाख रुपया, हालांकि उतना ना आते लेकिन मान के चल 1 लाख रुपया, कितना 1 लाख। कोई भी नौकरी कितना दिन तक कर रहा है? 30 साल, यानी 12 महीने में 12 लाख, 1 साल में 12 लाख, तो 30 साल में कितना आता है? 12 लाख गुना 30 कर दी, यानी 3.6 करोड़, यानी लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा, यानी एक वीडियो, एक सीओ, एक दरोगा, एक डीएसपी, एक बढ़िया पदाधिकारी अपन जिंदगी में 30 साल नौकरी करके 3.5 करोड़ रुपया कमो है, और एजेंसी मालूम हो एक पर के ठिका 1000 करोड़ के में। वहां ना आए तो झारखंड सरकार चर्चा कर ले, न झारखंड के स्टूडेंट डिमांड कर ले कि आप लोग अपने मैनिफेस्टो में कम से कम एजेंसी पे भी चर्चा कीजिए, ठेकेदारी पे चर्चा कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट पे भी चर्चा कीजिए। जैसे उदाहरण के लिए ये बगल में अस्पताल है ना, सरकारी लगे की? चल ठीक है सरकारी लगे, यानी यहाँ जो डॉक्टर बैठा जकर तनख्वाह शायद 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख होता है, वो डॉक्टर सरकारी लगा है, लेकिन रात के जो वॉचमैन रहा है वो सरकारी नहीं लगा, जे यहाँ गार्ड के काम कर रहा है वो सरकारी नहीं लगा, जे यहाँ कंपाउंडर के साइड काम कर रहा है वो भी सरकारी नहीं लगा है, यहाँ वो दो बजे स्टाफ है वो भी सरकारी नहीं लगा है। यानी कोई भी अगर इस अस्पताल में, यह रेफरल अस्पताल में डुमरी के यदि 100 आदमी नौकरी कर रहा है तो 10 को 15 को 20 को सरकारी लगा है, 75 को 80 को गैर सरकारी लगा है। अब तुम ही बताओ अपने कहां से कि परीक्षा लिख के ले है ना, अपनी एलो एजेंसी से, अपनी एलो ठेकेदारी से, अपनी एलो कॉन्ट्रैक्ट पे। आप थोड़ी सोच सकल है कि ये वो अस्पताल में करे 80 को नौकरी एजेंसी दिलाए तो ऐसे ऐसे के वो अस्पताल होते, हर एक गांव में थोड़ी पंचायत भवन हो, अपन पंचायत भवन के थोड़ी देखा लगा, अच्छा थोड़ी पंचायत भवन के जो राम करे वाला पेंटिंग वो एक एजेंसी के लिए गया, थोड़ी पंचायत भवन में तो देखे इलेक्ट्रिशियन के जो काम कर रहा हो ना वो एक एजेंसी के लिए गया, तो पंचायत भवन में जो फर्नीचर के काम करके गए हो वो एक एजेंसी करके गए हो, तो पंचायत में जो बाथरूम में जाके नाल और पंप लगने के काम कर रहा हो वो भी एक एजेंसी कर रहा हो, और एक भी एजेंसी झारखंड के का, यानी झारखंड के सारा पैसा कहां हो? एजेंसी में हो। और हमने आज तक एजेंसी में कभी ध्यान ही नहीं दिया। फॉर एग्जांपल टोनी 10 प्लस 2 में पढ़े वाला किधर है? आरती ना राज की तोरे डिमांड से डुमरी लड़ रही है, यह दुनिया में बोला ला रही है,
अब तुम्हें कितना भटका दिला रहे हैं सब देख रहा हाँ तो कौन लग पड़ा है इंटर पार भाई गले अच्छा तुम्हारे स्कूल में आईटी की टीचर है बहुत सारा किधर है यहाँ देखे हाँ कुंदन जी आपके स्कूल में आईटी की टीचर है आईटी की टीचर तो नहीं समझा तब तो ही शायद यहाँ ना हो मेरा रविंद्र जी आईटी की टीचर है रविंद्र नजर नहीं आ रहा हाँ रविंद्र है आईटी की टीचर यानी मैथ का टीचर सरकारी होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का टीचर सरकारी होता है लेकिन आईटी और टीटी और स्पोर्ट का टीचर सरकारी नहीं होता है उसको एक आउटसोर्सिंग कंपनी एक एजेंसी लेके आती है इसलिए आज अगर झारखंड के समझना हो तो एजेंसी के भी समझे आते यदि तुरा झारखंड के समझना हो तो तुरा कॉन्ट्रैक्ट के समझे आते यदि तुरा झारखंड के समझना हो तो ठेकेदारी या आउटसोर्सिंग के समझे आते वहां अगर ना समझ भी तो नौकरी साल भर में जेपीएससी आओ होगी पांच साल में जेपीएससी आओ पे तो बाहर ही रहो सारा नौकरी कहां हो एजेंसी के पास इसलिए अगर हमने गवर्नमेंट में आए हो तो इस बात के जान ले 75% एजेंसी झारखंडी के पैसे लगता है पैसे मिलता है उस बात के दुरुस्त करने इसलिए आज तो होने से अच्छे दिन की हो सभी के मौका मिल रहा है बारी बारी से मौका मिल रहा है एक बार हमें जितना झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हो एक बार तोनी से अवसर मांगा हो एक बार तोनी से मौका मांगा हो इस राज के बदले कर क्या कि एक बार जान ले हमनी के बाद तुधर राज बनवा लो तो सजवे ले हमनी जाना कि राजस्थान बिहार यूपी से आने वाला नए सजवे पर अपना तुधर लगता है धार हमार लगा बाड़ी हमार लगा अगर गोरु चलते तो पड़ोसी के तुधर पता है हाथ ना रख लिए हाथ ना रोपा लिए हम ना रोपा लिए बढ़िया हम ना खतवा रोपा लिए तो पड़ोसी के दर्द ना लगता है तो झारखंड अगर आज लूट रहा है तो बताओ जब राजस्थान से नौकरी करे आए जब बिहार से नौकरी करे आए जब गुजरात से नौकरी करे आए ओकरा दर्द बुझेता है ना बुझेता है इसलिए अगर झारखंड हमने बनवा लिए एकरा संवारे के काम हमने के एकरा सजवे के काम हमने के लगो इसलिए आज झारखंड के भावना के ध्यान में रखते हुए झारखंड के अस्मिता के ध्यान में रखते हुए इस बार के वोट केची छाप में करना हो उस बात की याद रखो आप विशेषकर तोहनी के बहुत बहुत धन्यवाद है कि तोहनी बहुत सारा प्यार दिला आज कोई भी नेता अगर कोई आवा है ना तो अपना 300 400 500 रुपया मुड़ी पिछू दिए देवे कि ना लेकिन आज तोहनी केवल अपन आशीर्वाद दिए है तोहनी अपन छोट भाई से अपन भतीजा से इतना प्रेम हो तोहनी के हमनी टीम से हमने संगठन से कि आज तोहनी अपन पैसा लगाए कि अपन खर्च में चल के यहाँ तक आवा तो ये खातिर पहले तो तोहनी का दिल से हमने बहुत बहुत धन्यवाद दे हो और एक बात तोहनी के वचन दे हो एक बात तोहनी के विश्वास दिलाए दे हो हमने अपन आपके निछावर करे तोहनी वोट के मान रखो अगर में कोई कमी ना है आज हमने इस अवस्था में ही हो आज इस अवस्था में जब से वोट के डेट अनाउंस भेल है हमने कोई भी ऐसा ना है कि 4 बजे से पहले सुतल काल जबरदस्ती 2 बजे राति सुतल है अभी 3.5 घंटा के अलार्म लगाए कि 5:30 बजे उठना है पारासन पहाड़ी में सबसे पहले पूजा करके हमारा नॉमिनेशन में जाना है यानी केवल आज के जगतिया पार भले हमें 2 बजे सुतल लियो बाकी जब से वोट के डेट अनाउंस करो 4 बजे से पहले कभी हमें सुतल तक आप तोहने के की बताएगा तोहने विश्वास अगर ना लागो हो तो हमने ठीक है मैटर लास्ट सुन लेबे दीदी सबके हम सुन लेबे जब हमने विदाई यहां से निकलबे सुन लेबे इसलिए तोहने से जकरा विश्वास ना लागो हमने गाड़ी खा लियो गाड़ी ने तोहने चल लिया आज हमने पिछला 2 साल तो छोड़ रहा कि पिछला लगातार 1-1.5 महीना से हमने इतना मेहनत कर ली है कि घेचा में भीतर हमने रोटी और भात पार नहीं करे खाली गीला सामान चाहिए तो हमने आज जैसा हमने अपन आपके तपस्या करके यहाँ तक आए लिए
विश्वास करें हमने जीतल बाद भी इसी तपस्या इसी त्याग के साथ जनता के सेवा के काम करबो ओकर में कहीं चूक ना होके सब बात के विश्वास आज हमने एक वो सीट ना जीतल है और प्रभाव देखिया कि जरा महापौर को मत बुलाइए हम काम कर रहे हैं आज ई हाल तो जब दिन हमने सीट जीत के आए जब दिन हमने सरकार में आए तो निकालिए पर दिल में हाथ लाग के सोचिया कि झारखंड में जो लूटे है ना जो रोज हम एक लोग के सतो है ना अपने पसीना टपकते हैं आज तो हमसे एक बार विश्वास जगवे के काम करा डुमरी के साथ साथ इस झारखंड राज्य के तस्वीर के बदले के काम हमने के जिम्मेदार ठीक है बैगो अरे देख अच्छा ये देखो फोन किन्हीं का गुम हो गया अगर मिल गया तो थोड़ा सा वापस कर देंगे